दोस्तों पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम के बीच T20 का छठा मैच खेला जा चुका है और इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और जब पाकिस्तान की तरफ से कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद हैरिस ओपनिंग बल्लेबाजी करने उतरे तो इनको पहला झटका ही 14 रन के स्कोर पर रिचर्ड ग्लेसन ने देकर मोहम्मद हैरिस को आउट कर दिया था और हैरिस बस 7 रन बनाकर आउट हुए थे। तो वहीं इसके बाद अगले ही ओवर में डेविड विली ने शाह महबूद को आउट कर दिया और महबूद अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे, जहां इसके बाद बैटिंग करने हैदर अली उतरे थे और हैदर अली और बाबर आजम पाकिस्तान के लड़खड़ाती पारी को आगे बढ़ा ही रहे थे कि तभी 62 रन के स्कोर पर पाकिस्तान को तीसरा झटका सैम करन ने देकर हैदर अली को आउट कर दिया और हैदर अली 18 रन बनाकर आउट हुए, जहां इसके बाद बैटिंग करने इफ्तिकार अहमद उतरे थे और इफ्तिकार अहमद काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी 110 रन के स्कोर पर इफ्तिकार अहमद को सैम करन ने आउट कर दिया और इफ्तिकार अहमद 21 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन एक तरफ इस मैच में बाबर आजम शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने इसके बाद 41 गेंदों का सामना करने के बाद अपने 50 रन पूरे कर लिए थे, लेकिन तभी 136 रन के स्कोर पर आसिफ अली को डेविड विली ने आउट कर दिया और आसिफ अली 9 रन बनाकर आउट हुए, जहां इसके बाद बाबर आजम की शानदार बल्लेबाजी की वजह से पाकिस्तान का स्कोर पूरे 20 ओवर खेलने के बाद 169 रन तक पहुंच गया था 6 विकेट के नुकसान पर, जहां आखिरी बॉल पर रेस टोपली ने मोहम्मद नवाज को आउट कर दिया था और नवाज 7 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हुए थे, जहां पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम 59 गेंदों में 87 रनों की शानदार पारी खेलकर नॉट आउट रहे। तो वहीं इस मैच में इंग्लैंड की तरफ से सैम करन और डेविड विली को 2-2 विकेट हाथ लगी थी। तो वहीं अब इंग्लैंड की टीम को ये मैच जीतने के लिए 170 रन बनाने थे और जब इंग्लैंड की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत इस मैच में काफी धमाकेदार अंदाज में रही थी, क्योंकि फिलिप सॉल्ट और एलेक्स हिल्स ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की गेंदबाजों पर जमकर हमला बोला था और इंग्लैंड का स्कोर केवल 3 ओवर में ही 50 रन तक पहुंचा दिया था, जहां ये दोनों ही बल्लेबाज काफी तगड़ी बैटिंग कर रहे थे। लेकिन तभी 55 रन के स्कोर पर सद्दाब खान ने इंग्लैंड को पहला बड़ा झटका देकर एलेक्स हिल्स को आउट कर दिया और एलेक्स केवल 12 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन एक तरफ फिलिप सॉल्ट इस मैच में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने इसके बाद केवल 19 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर लिए थे, और जहां इसके बाद बैटिंग करने डेविड मलन उतरे थे और मलन इस मैच में काफी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और इसके बाद डेविड मलन और फिलिप सॉल्ट ने दूसरे विकेट के लिए 73 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप कर ली थी, लेकिन तभी 128 रन के स्कोर पर इंग्लैंड को दूसरा झटका भी सद्दाब खान ने देकर डेविड मलन को आउट कर दिया था और मलन 18 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए थे, और इसके बाद बैटिंग करने बेन डक्ट उतरे थे और बेन डक्ट और फिलिप सॉल्ट ने इसके बाद इंग्लैंड की टीम का एक भी विकेट नहीं गिरने दिया और इंग्लैंड की टीम ने ये मैच 14वें ओवर की 3री गेंद पर ही जीत हासिल कर ली थी, जहां इंग्लैंड की टीम ये मैच 8 विकेट के बड़े अंतर से और 5 ओवर पहले जीती है, जहां इंग्लैंड की तरफ से फिलिप सॉल्ट 41 गेंदों में 87 रन बनाकर नॉट आउट रहे तो वहीं बेन डक्ट भी 26 रन बनाकर नॉट आउट रहे, और इसी के साथ ये सीरीज 3-3 की बराबरी पर खड़ी है, यानी 7वां T20 मैच इन दोनों ही टीमों के बीच फाइनल के तौर पर खेला जाएगा।